हेलो एवरीवन लेट्स सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सी इज दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस वन बाई रूट टू टू वन बाई रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन टू द होल पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द होल पावर टू माइनस टू टू पावर वन बाई टू डी एक्सेज ओके सो हमको क्या करना है यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास माइनस ए टू प्लस ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले तो माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स जो डी एक्स होता है वो किसके इक्वल आता है ये हमारे पास में ये टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो आता है कब आता है इफ एक्स जो है हमारे पास में सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए ओके एंड जीरो कब होता है ऑफ दो कंडीशन होती है तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटीग्रल आई बोला इसको, ये हो गया, 1 2, अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड माइनस टू है इसकी पावर कितनी है हाफ है ओके okay? हमने अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा तो एफ ऑफ माइनस एक्सवस टू f ऑफ माइनस एक्स टू x की जगह पे हमने माइनस एक्स रखा ठीक है तो minus x रखा, तो यहाँ पे बन गया x minus x plus 1, minus को कॉमन ले लिया x माइनस वन बनेगा एंड डिवाइडेड बाई यहां नीचे बनेगा माइनस एक्स माइनस वन इसमें से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा x प्लस वन बन जाएगा ओके okay? तो x प्लस वन ये माइनस को कैंसिल आउट कर दिया x प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पे भी सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं ठीक है और यहाँ पे डिवाइड तो तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इसका होल स्क्वायर माइनस टू टू दी पावर हाफ डी एक्स बनेगा ओके दिस इज इक्व टू यहाँ से जीरो टू वन बाई रूट टू इसको हमने क्या किया आ, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो हमने देखा एक्स माइनस वन अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x plus 1, देखो अब यहाँ पे रूट भी है और स्क्वायर भी बनेगा ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एक्स प्लस वन माइनस यहाँ पे आ जाएगा नीचे माइनस यहाँ पे एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन ओके और ये जो टर्म रहेगी इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर और इसका पावर रहेगा वन बाई टू ओके

ये बन जाएगा हमारे पास में एल्सियम लिया तो x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा इसका मॉडुलस और यहाँ पे dx आ जाएगा ओके दिस इज एक्वल टू हम बोल सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा जीरो टू वन बाई रूट टू बोल दिया हमने यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस यहाँ से हमने देखा तो कितना बन जाएगा फोर एक्स बन जाएगा ऊपर तो फोर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड यहां बन जाएगा डी एक्स ओके अब देखो हम बात करें वन बाई रूट टू में तो वन बाई रूट टू में ये वाला टर्म जो है ऊपर वाला एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे वाला नेगेटिव है तो हम अगर इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू वन बाई रूट टू तो ये किस तरीके से खुलेगा अब हमको पता है मॉडुलस का वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो हमेशा ये कैसे खुलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में खुलेगा ये डीएक्स बनेगा अब हमको क्या करना है इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो ये कितना बन जाएगा टू अब देखो इस टू हमने ये जो बाहर ये अंदर की तरफ फोर था उसको टू मल्टीप्लाइड दिया टू बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू, वन रूट टू, और यहाँ से बन जाएगा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनेगा इसको हमने क्या किया लेट तो यहाँ से वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी एस्यूम मैथड लगा दिया माइनस का टू एक्स डी एक्स टू कितना बन डी टी तो यहाँ पे माइनस को इधर ले लिया तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी बन गया ओके सो so ये बन जाएगा इंटीग्रेशन अब देखो अब हम लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से तो लिमिट्स को हम अगर चेंज करेंगे तो कितना बनेगा देखो जब एक्स का वैल्यू कितना है जीरो है तो टी का वैल्यू कितना है वन है और जब एक्स का वैल्यू कितना है वन अपॉन रूट टू है तो टी का वैल्यू कितना है हमारे पास टी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा ओके तो यहां से हमने बोला कि वन टू वन बाई टू वन टू वन बाई टू हमारे पास क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन जाएगा नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे डी टी बाय जाएगा टी बन जाएगा ओके okay? तो माइनस का फोर यहाँ पे बन जाएगा लॉग ऑफ t, ये बन जाएगा और यहाँ पे लिमिट जो लग जाएगी वो कितनी लग जाएगी वन से वन बाई टू सो दिस इज इक्व टू माइनस फोर लॉग ऑफ वन बाई टू एंड लॉग ऑफ वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा हमने देखा यहाँ पे कितना बन जाएगा फोर लॉग टू बन जाएगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग ऑफ टू टू पावर फोर कितना हो गया सिक्सटीन तो लॉग बेस में ई e तो रहेगा ही नेचुरल लॉग ही रहता है ये तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका तो लॉग ऑफ सिक्सटीन टू द बेस ई हमारा आंसर रहेगा आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू